हेलो स्पोर्ट्स सर फैमिली, वेलकम बैक दोस्तों। फुटबॉल से एक बहुत बड़ी अपडेट है। आज 6 फरवरी को अंडर 19 वुमेन्स सैफ चैंपियनशिप 2024 में इंडिया की गर्ल्स खेलने वाली है नेपाल की लड़कियों से। जी हाँ, और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों टीम्स के लिए। डू और डाई मैच होने वाला है, क्योंकि अगर करंट पॉइंट टेबल कंडीशन के बारे में बात करें ना, तो ये दोनों टीमें इस सिचुएशन में है कि जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। जी हाँ, इसमें इंडिया है सेकंड नंबर पर 1 जीत और 1 हार के साथ, वहीं नेपाल टीम है 1 जीत और 1 हार के साथ थर्ड नंबर पर। इसमें बांग्लादेश है फर्स्ट नंबर पर 2 जीत के साथ, वो तो फाइनल में पहुंच चुके हैं। अभी उनका भूटान से मैच होने वाला है आज 6 फरवरी को। अब इनका तो क्वालिफाई हो गया है, बस इंडिया और नेपाल जो मैच आज जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा 2 जीत के साथ। अब ज़रा मैच के स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये मैच जो है 6 फरवरी को होने वाला है। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच स्टार्ट हो जाएगा 2:30 PM से, और आप ये मैच लाइव इन्जॉय कर सकते हैं स्पोर्ट्स बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। और अब ज़रा इन दोनों टीम्स के पिछले 2 मैच के रिजल्ट की बात कर लेते हैं जो उन्होंने इस चैंपियनशिप में खेले हैं। तो उसमें इंडिया जो है बांग्लादेश से 0-1 से हार गई थी, और वहीं भूटान से जो हमारा मैच हुआ था उसमें हम 10-0 से जीत गए थे। और अब नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है भूटान से 1-0 से जीती थी, और वहीं बांग्लादेश से 1-3 से हारी थी। और आज एक और मैच होने वाला है, ये होगा बांग्लादेश टीम और भूटान के बीच में। ये स्टार्ट हो जाएगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 PM से। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी टीम इंडिया को सपोर्ट करिएगा, और अगर आप नेपाल टीम के सपोर्टर हैं तो अपनी टीम को सपोर्ट जरूर करिएगा। और मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच को लेकर। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें ऐसे ही और स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए। जय हिंद।